समसाबाद बिरसा रोड पिपलधार पर किया चक्का जाम। समसाबाद के ग्राम पिपलधार में हार्वेस्टर से निकली चिंगारी से गेहूं के खेतों में आग लग गई। आग लगने की सूचना की जानकारी पर ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीणों द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। वहीं फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया तब तक 100 बीघा से अधिक की गेहूं की खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा फायर ब्रिगेड देरी से आने से नाराज होकर पीपलधार चौराहे पर चक्का जाम करके प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करके रोड पर खड़े 3 लोगों को कुचला, महिला की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल देने की मांग। वहीं बच्चे का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। द्वारा मौके पर पहुंचकर किसानों को सर्वे महिला को मृत घोषित किया। लोडर वाहन को चक्का जाम कब्जे में किया। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के पर यादव धोबी खेड़ा और मेरा पड़ोसी गाँव पिपलधार, प्रशासन की नज़रअंदाज करते हुए पूरे कॉलों को, पूरे क्षेत्रीय लोगों को यहाँ पर समय पे कोई व्यवस्था न पहुँचने पे फाइव ग्रेड की यहाँ की 250 बीघा ज़मीन जल के खाक हो गई, जिनके साल भर के बच्चे उसके लिए भरण पोषण के लिए बहुत अच्छी नज़रों से देख रहे थे, आज उनके पूरे पेट पे लात लग गई है। और ये प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है, जिससे एक फाइव ग्रेड पूरी समसाबाद विधानसभा में, जिस फाइव ग्रेड समय पर न पहुँचने के कारण और एक वो टूटी फूटी वहाँ पड़ी हुई है जिसका कोई सुचारू रूप से चलने के लिए तैयार ही नहीं है। यदि फाइव ग्रेड होती तो शायद इतना नुकसान हमारे क्षेत्र के और हमारे गांव के और हमारे बच्चों का नहीं होता, जिससे आज खाने के लाले पड़ चुके हैं। मैं प्रशासन से, न क्षेत्र के विधायक जी से और न सभी जो जनप्रतिनिधि हैं जो बढ़ चढ़ के आते हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि 100% नहीं, 100% से ज़्यादा भी जो भी हो उसके लिए बीमा और न पूरा मुआवजा यहाँ की जो जनता को जो हुआ है नुकसान यहाँ के किसान बंधुओं का, वो पूरा दिया जाए। अचानक आग लग गई है और कुछ व्यक्तियों के खेत यहाँ पर जल गए हैं, आग से पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। पटवारी मौके पर आ गया है और वो उसका पूरा जांच कर रहा है, सर्वे कर रहा है। जिस व्यक्ति का जितना नुकसान हुआ है, शासन निर्देश जो भी हैं उनके अनुसार पूरी तरह इनको सहायता राशि अतिशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी। तकरीबन कितने बीघा जलकर फसल हुआ हुई है, ये थोड़ा पटवारी अपना सर्वे कर ले, उसके बाद ही सटीक रूप से बताया सकता है। ऐसा बताया जा रहा है सर, मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं आई, उसके कारण आग पर काबू नहीं पा रहा है। तहसील समसाबाद में 2 फायर ब्रिगेड हैं और आज ग्राम दूधन खेड़ी के आसपास भी काफ़ी बड़ी मात्रा में आग लग गई थी। दोनों फायर ब्रिगेड वहाँ पर भेजी गई थी और जैसे ही यहाँ की खबर लगी तत्काल एक फायर ब्रिगेड वहाँ से यहाँ बुलवा ली गई और बिरसा में ही खबर कर दी गई थी कि तत्काल वो भी अपनी फायर ब्रिगेड यहाँ पर भिजवाएँ।